चीनू इतनी आलसी, इतनी आलसी है, चीनू से ज्यादा इसकी मम्मी आलसी है। और मेरी हालत इतनी ज्यादा डाउन हो रही है। आसमान में उड़ती हुई रंग बिरंगी पतंगे भारत देश की अनेकता में एकता का प्रतीक है। मैडम सही तो यार, भारत देश की गलत फंबल था वहाँ। पता नहीं जी, इतना चिड़चिड़ा सा हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। Hey cuties, welcome back to my new vlog. तो guys, मेरे पास नहीं है। तो यार मेरे को लगा था कि मैं शूट पे ज़्यादा बिजी रहूँगी और मैं व्लॉगिंग नहीं कर पाऊँगी, लेकिन सच बताओ मेरा कोई सीन है नहीं खास, तो मैं फ्री ही हूँ। मैं साथ के साथ अपना व्लॉग एडिट भी कर रही हूँ और नेक्स्ट व्लॉग भी स्टार्ट कर लिया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी। मुझे लगा यार शूट पे टाइम मिलेगा ही नहीं, बट मेरे को टाइम मिल गया है और मेरे रच इतने डायलॉग ही नहीं रखे यार वीडियो में, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। तो गाइज़ आपको ये डेकोरेशन वगैरह देख के पता चल चुका होगा कि हम कर रहे हैं 15 अगस्त की वीडियो, और मैंने आपको कल के व्लॉग में भी बता दिया था। रचित हाय। हाय विनय। रेडियो जय हिंद जय श्री राम। तो देखो इस चीनू को देखो, यहाँ पे आके बैठ गया, ये नहीं शूट कर लूँ। क्या हुआ? नहीं नहीं दिख रहे, दिखते तो रचित बता नहीं देता, चुप हो जाओ। चलो दादी, फाइनली इतनी देर से बैठे बैठे आपका सीन आ गया है, खुश? जल्दी जल्दी से अपना गेटअप ले लो, कॉल आ गई आपकी जल्दी। चीनू इतनी आलसी है, चीनू से ज्यादा इसकी मम्मी आलसी है। देखो आंटी को देखो, यहाँ से चीनू तो है आलसी, देखो और ऊपर से अपनी मम्मी पे गई है बिल्कुल। दे सुन रही है आंटी, आप कितनी देर से सो रहे हैं आप बताओ? आपको सही बात है, आपको कोई भी जगह मिल जाए, कहीं भी मिल जाए, बस सोना पसंद करते हो। इतनी इतनी गर्मी में, इतनी गर्मी में और लकड़ी पे डेस्क पे दो घंटे से लेटे पड़े हो, सो रहे हो। मैंने जब जान लगी थी ना मेरा सीन आया था, मैंने दो बार आवाज लगाई, आंटी यहाँ भी सो गए, आंटी यहाँ भी सो गए, आंटी कुछ बोली नहीं। मैं इसलिए नहीं बोली, मैं तो बाहर आवाज जाएगी हूँ तो कर देते। आपने सुना था मैंने बोला था? अच्छा सोए नहीं थे, अब सो आराम मिल रहा है ना देख के, सो जाओ। अब ये पंजे क्या इंस्टा नंबर आ रहे हैं क्या? हाँ पंजे लगे हैं। क्या लगा है ये? पता नहीं, ये इसका छपा होगा कुछ। हाँ छपा है उसका। हाँ इसका आपके आपके जो हेयर ग्रोथ है ना, जो वैक्स नहीं करवाई, वीडियो में यूं साफ दिख रहे हैं इतने बड़े बड़े। करे क्यों नहीं? क्या क्या ऑर्डर कर दिया बता नहीं रही, क्यों बताऊं? भाई चीनू की मुझे देख लो। चीनू की मुझे देख लो, चीनू की आईब्रो देख लो, रचित की तरह मिली हुई है। आपकी भी तो मिली हुई थी, आपने तो बनवाई है ना, मैं तो नेचुरल हूँ। आप तो फेक हो। अब बोलो ये सीन डालना या ये तो डालूंगी मैं? भाई चीनू ने कह दी अब डालना पड़ेगा, मैं फेक हूँ। आगे दादी हो गया सीन? अरे नहीं, शुरू ही नहीं हुआ। मैं देख रही थी फिर आप, ये कौन सा लुक ले रखा है आपने? है ये कौन सा लुक ले रखा? दादी गैंगस्टर। हाँ गैंगस्टर दादी। अरे मोरी मैया, क्या लिखा है? जूम मारती हूँ। मोहन, मोहन क्या लिखा है? अच्छा ऊपर का नहीं देखा, ऊपर महादेव है ना, नीचे का पढ़ रही थी मैं। हर हर देखा होता तो ऊपर महादेव बिना देखे ही बोल देती। ढंग से लिखना चीनू, कैसे स्पेलिंग है तेरी? बावली हो गई चीनू। करो 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 करो, क्या कर रहे थे? करो करो। देखो आंटी भाई मेकअप कर रही है। आप सुंदर तो हो, आप सुंदर तो हो, आप क्यों कर रहे हो मेकअप? अरे करना तो पड़ता है, बारिश आ गई क्या, आगे चल पड़ेगा। तू चीनू तू नहीं करती, इतना डाटा है ना रचित ने मेकअप। आंटी पहले कितना कितना कर किया करती थी पहले, सब सब बच्चों को शौक होता है, मेरे को भी था। अभी बच्ची नहीं है, बड़ी हो गई। मेरे को समझ आ गई ना, इसने मेरे एक भी मेकअप का सामान नहीं छोड़ा, सारा इसने मेरा खराब कर दिया। इतना डांट, जब टिकटॉक चला था, जब टिकटॉक का टाइम था, इतना मेकअप करती हूँ, रचित फोन कर करके डांटता है इसको, मेकअप बंद कर रही है अंडियों की तरह। इसको शौक था, जैसे अभी 15 अगस्त आएगा उसको तैयार होने का, 26 जनवरी को तैयार होने का, कोई भी फंक्शन होता ना, रील बनाने के लिए रेडी हो जो जाती थी। नहीं रील उस टाइम था नहीं, टिकटॉक नहीं नहीं नहीं, उससे भी पहले। जैसे मेरे कोई माला वाला हुई तो यहाँ पे हेयर स्टाइल बना लिया, या कुछ भी ऐसा हुआ उसको साड़ी पे यहाँ टांग लिया, बाजू पे लगा लिया, बाजू बंद बना लिया, इसको ये सब पता था सारा।
पता नहीं कहाँ से सीखा इसने, बहुत बढ़िया मेकअप करती थी, मेरा भी करती थी और कि अब नहीं करती बल्कि। सो गाइज बाहर चल रहा है रचित का शूट और अभी जो है मैं और मिक्की गाड़ी के अंदर बैठे हैं बिल्कुल चिल्ड एसी करके, हमें बढ़िया एक्सक्यूज मिल गया है गाड़ी में बैठने का। बाकी सब बाहर गर्मी में भर रहे हैं। बाकी अभी कैमरा बैक करके दिखाती हूँ, बाकी सब गर्मी में मतलब इतनी भड़कती गर्मी में शूट कैसे कर रहे हैं। ये देखो गाइस यहाँ पे चल रहा है रचित का शूट, झंडा लेके खड़े हैं। कहाँ रचित है कोई सा हंसा कोई सा चिल्लाए भाई भाई, ये देखो ये देखो देखो ये देखो रचित डंडा लेके खड़ा है और विनय शूट कर रहा है कि किसी की आवाज आई तो डंडे से तुड़ाई कर देगा। और रचित ने ये बॉडीगार्ड भी बुला रखे हैं भाई, चार ये रियल बॉडीगार्ड है, ऐसा नहीं है सिर्फ शूट के लिए बुलाए हैं, मतलब सीन के लिए, मतलब क्या बोलना चाह रही हूँ मैं मिक्की, मतलब सीन के लिए भी और वैसे भी बुलाए हैं। मैं खुद कंफ्यूज हो जाती हूँ कि मैं बोलना क्या चाह रही हूँ। मैं कह रही हूँ ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनको गेटअप दे दिया है बॉडीगार्ड का, ये एक्चुअल में बॉडीगार्ड है। मैं ये कहना चाह रही थी। तो ये है भाई, आप बंगालन से क्यों लग रहे हो भाई, ये कपड़े वैसे पहना रखे हैं, फिर बाल खुलवा दिए, फिर ये देख सही हो, बंगालन ऐसे होते हैं, ऐसे होंगे छोटी बिंदी हाफ हाफ हेयर कट, नहीं बड़े भी होते हैं भाई, आपको टॉप कोट का भी आता है, ऐसे पूछ रहा हूँ, तभी तो बस में कर रखा है मैंने सबको। ओके क्या कितने लाख लोगों को, कितने मेन चैनल पे मेरे 4.1 40 लाख लोगों को वश में कर रखा है, 1.5 लाख से ज्यादा, 1.5 लाख से ज्यादा मैंने ब्लॉग चैनल पे वश में कर रखा है, तुझे भी कर रखा है, इंस्टा पे अलग कर रखा है, इंस्टा पे अलग कर रखा है, इंस्टा को अलग कर रखा है, इंस्टा पे अलग कर रखा है और इंस्टा को अलग कर रखा है, इंस्टा तो बावला है मेरे बिना खाना भी नहीं खाता, तुझे भी तो कर रखा है वश में। ये भाई ये जाता ही, ये भी नहीं जाता कहीं मेरे सिवा, ये जाता है मैं फोन करके बुला लेती हूँ मिक्की आजा मन नहीं लग रहा तो ये आ जाता है, ऐसी होना चाहिए, बात नहीं काटनी चाहिए इतनी की तरह थोड़ी। अरे देख अगर तू पांच पांच दिन घर चले जाओ, जब मन करे तब आओ। ऋतिक अगर तू ये ब्लॉग देख रहा है ना तो वापस आ जा, मन नहीं लग रहा, अगर तूने मेरी बात काटी फिर तेरे को भी वश में कर लूंगी। अगर देखते हैं अगले ब्लॉग में अगर वो हुआ तो मतलब उसमें तमीज है, अगर आपके अगले ब्लॉग में वो हुआ अभी देखते हैं टाइम बताओगा। सो गाइज अभी जो है हम तो भाई अंदर गाड़ी में इसलिए बैठे हैं क्योंकि जो मैं घर से निकलते टाइम जो मैंने ब्लॉग बनाया था उसको एडिट करके डाल रही हूँ, क्योंकि यहाँ बहुत मैं ना कल बहुत ज़्यादा बिजी थी और रचित का शूट भी चल रहा था इसलिए मैं ब्लॉग बना नहीं पाई थी कल, तो अभी मैंने सुबह ब्लॉग बना के जो अपलोड कर रही थी ना तो बाहर बहुत हमारा लैपटॉप हीट कर रहा था इसलिए आके मैं इसी में बैठे हैं, और ऊपर से लाइट भी तो जा रही है। हाँ अभी लाइट भी जा रखी है, देखो ये दिख रहा है ना कितना मोटा सा मेरा, अभी हुआ ही है। हाँ मैंने देखा, अभी नोटिस नहीं हो रहा, लेकिन अभी हुआ है, नहीं मेरे को हो रहा, मैंने भी जब आपको व्लॉग देखा रहा तब हुआ मेरे को नोटिस, वरना अभी आप शूट कर रहे थे तब नहीं हो रहा था। यहाँ आंखें वाखे पे कितनी काजल कैसे फैल गया है, पूरा शूट पे पसीने से बह बह के, मेरे पे तो नेचुरल काजल है। सही बात है। तो गाइस अब होता है ऋतिक की बुराई का सेशन स्टार्ट, जो की करेगा ऋतिक और मिक्की, कुछ भी पूछ लो उसके बारे में। अच्छा ये बता तुझे ऋतिक बाय लुक कैसा लगता है देखने में? यार मैं लुक से तो किसी को जज कर नहीं सकता और इस पे मैं गाली दे नहीं सकता व्लॉग में तो बंद आ जा रहा हूं। हरकतों से कैसा लगता है? हरकत से तो रचित आ रहा है एक मिनट। सो गाइस शूट करते करते हालत हो चुकी है खराब और अभी हुआ है हमारा थोड़ा सा ब्रेक, स्नैक्स ब्रेक हुआ है, तो आए हैं ये समोसे और ये सब स्नैक्स आया, और इन तीनों को देख लो, तीन बंदर को एक साथ घुस के कैसे खा रहे हैं विंडो से। 15 अगस्त के मौके पर फिर से एक बार खुशियों का रंग एकता मेकता का प्रतीक है। क्या बात, क्या बात, चलो क्या बात, पहले दे दिया करो स्क्रिप्ट। आसमान में उड़ती हुई रंग बिरंगी पतंगे, अरे एक्शन, आसमान में उड़ती हुई रंग बिरंगी पतंगे भारत देश की अनेकता में एकता का प्रतीक है। मैडम सही था यार, भारत देश की गलत फंबल था वहाँ, बोलो एक्शन, आसमान में उड़ती हुई रंग बिरंगी पतंगे भारत देश की अनेकता में एकता का प्रतीक है मैडम। और ये क्या, आंटी ने एक बार फिर से धोबी पछाड़ देते हुए पतंग काट दी है। और ये क्या, आंटी ने धोबी पछाड़ देते हुए पतंग फिर से काट दी है। अंडरस्टूड, बैक अप। Yes.
कैसे हो मैडम? अरे कुछ तो बोलो मैडम, कैसे हो? सो गाइस, शूट तो कंप्लीट हो चुका है, बट ये लोग पीछे जो है रील वील बना रहे हैं और मेरी हालत इतनी ज़्यादा डाउन हो रही है, पता नहीं जी इतना चिड़चिड़ा सा हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, थक गई हूँ, क्या हो गया, आंखें भारी भारी सी हो रही हैं, लेकिन देख रहे हो फिर भी ब्लॉगिंग कर रही हूँ, बस कैमरा ऑन करके बैठी हूँ, बहुत गैप ले लेके बोल रही हूँ, और क्या बोल रही हूँ, बस बोल रही हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ, और बैठी कैसे हूँ ऐसे बैठी हूँ मैं यहाँ पे पागलों की तरह, पता नहीं घर कब जाएंगे, वेट कर रही हूँ, इतने मरी मरी से बोल रही हूँ, पता नहीं आवाज़ आ भी रही होगी नहीं आ रही, घर जाके देखती हूँ, बात करने की हिम्मत हुई तो करूँगी, वरना नहीं करूँगी, सो जाऊँगी। इनका फोटो शूट ही नहीं ख़त्म हो रहा है, ये देखो ये फोटोग्राफर अपने। हाँ एक सेकंड। ओ भाई हेलो। तो गाइस शूट सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है और सब लोग शूट करके अपने घर भी जा चुके हैं और मैं सोकर उठ चुकी हूँ, रेस्ट कर चुकी हूँ और नहा धोकर रेडी हूँ। तो चलो अभी अपने 5 क्वेश्चन के आंसर दे देते हैं। आज जो 5 क्वेश्चन सिलेक्ट हुए हैं उनमें से फर्स्ट कमेंट है सुमित सिनवर का, हाय सिब्बू दीदी, आई एम स्नेहा, अब इंस्टा की आग कैसी है, जिसमें चोट लगी थी। तो स्नेहा इंस्टा की आग काफी टाइम हो गया, बहुत अच्छी है, पहले से प्रॉपर ठीक हो चुकी है, अब कोई दिक्कत नहीं है उसमें, 3 दिन के अंदर अंदर ही ठीक हो गई थी, अब इंस्टा बिल्कुल ठीक है। सेकेंड कमेंट है परमिला चौहान का, सुपर कार की डिलीवरी पर आप सब एक जैसी ड्रेस पहनना, एक कलर की। तो यार एक कलर की ड्रेस सबके पास होना मुझे नहीं लगता पॉसिबल है। हाँ ये है कि सुपर कार की डिलीवरी पर हम सभी लोग नए कपड़े तो पहनेंगे, बट सेम मैचिंग की सबकी होगी, ये कैसे हो सकता है। तो ऐसा कुछ प्लान नहीं है, बस ये है कि जब डिलीवरी होगी तो सब अच्छे कपड़े पहनेंगे और नए पहनेंगे। मैचिंग की तो ज्यादा से ज्यादा मेरी और रजत की मैच कर सकती है, आंटी की, स्वाति की, चीनू की, इन सबकी कैसे ही मैच करेगी। थर्ड कॉमेंट है अंशिका का, सबरी आप सारे पहले वाले कमेंट ही ले रहे हो, प्लीज मेरा कमेंट भी ले लो आप। सबरी नहीं, मुझे लगता है आप सिब्बू दीदी टाइप करना चाह रहे होगे, तो आपने सबरी लिख दिया है। पहले मेरा कमेंट भी ले लो आप। रचित के साथ मिडिल क्लास छोरा और रिच क्लास गर्ल की वीडियो बनाओ प्लीज 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 प्लीज, और अपने ब्लॉग चैनल में, ब्लॉग नहीं व्लॉग होता है, व्लॉग चैनल में मेरा भी नाम ले लो प्लीज। हेलो अंशिका, टाइपिंग मिस्टेक सही करो, ब्लॉग नहीं व्लॉग होता है और सबरी नहीं सिब्बू दीदी होता है। ठीक है मैं उसको बोलूंगी, अगर वो बनाना चाहे मिडिल क्लास छोरा रिच गर्लफ्रेंड तो वो बना लेगा। आपका ये क्वेश्चन भी देख रहा होगा, अगर उसको ऐसा कॉन्सेप्ट कुछ अच्छा लगेगा तो वो जरूर बनाएगा। और अपना फोर्थ कमेंट है सोना श्रद्धा का, दी आपको अब तक कौन सी अच्छी गिफ्ट या सरप्राइज मिला है? मुझे तो सारे गिफ्ट अच्छे लगते हैं, बस वो गिफ्ट होने चाहिए, और मुझे सारे ही सरप्राइज अच्छे लगते हैं, बस वो सरप्राइज होने चाहिए। मेरे को तो चॉकलेट भी, मुझे अगर कोई ला के दे देता है मैं उसी में खुश हो जाती हूँ। बाकी आज तक का मुझे जो सबसे अच्छा बर्थडे अपना लगा है, जो हम लोग सडनली प्लान करके लास्ट ईयर टीरी लेक गए थे, वो सरप्राइज मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा था, और गिफ्ट भी मुझे वही सबसे ज्यादा अच्छा लगा था जो रचित ने वहाँ पे मुझे डायसन किट गिफ्ट की थी। और उन्हीं का नेक्स्ट कमेंट है सिब्बूदी, रचित भैया को छोड़ के आपका फेवरेट यूट्यूबर कौन है? रचित भैया को छोड़ के मेरा फेवरेट यूट्यूबर, मेल में बताऊं या फीमेल में बताऊं? मुझे फीमेल क्रिएटर हैं जो रोस्टर हैं वो काफी अच्छे लगते हैं, मतलब कंटेंट क्रिएटर भी बहुत हैं। मुझे आशीष चंचलानी की वीडियो अच्छी लगती है, रचित के अलावा हर्ष बेनीवाल की वीडियोस भी बहुत अच्छी लगती हैं। फीमेल में भी हैं एक दो यूट्यूबर, उनकी अच्छी लगती है मुझे, मोस्टली सेन का कॉन्सेप्ट एक्टिंग बहुत अच्छी लगती है। तो ऐसे 2-3 यूट्यूबर हैं जो मुझे पर्सनली फेवरेट पसंद है, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, उनका कॉन्टेंट, उनका काम बहुत अच्छा लगता है। और एक स्वेगर शर्मा भी है, उनकी भी वीडियो मुझे काफी अच्छी लगती है। तो चलो आज मैंने अपने 5 क्वेश्चन के आंसर कंप्लीट कर दिए हैं और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, और कल है 15 अगस्त,
तो कल में भी मेरा घर जाने का प्लान है, या हो सकता है आज रात ही निकल जाऊं, तो घर पे भी जाऊंगी, घर वालों से भी मिलाऊंगी। तो अभी इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। बाय बाय, लव यू, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना, और अपने क्वेश्चन या कमेंट्स जरूर करना, क्या पता कल आपके कमेंट सिलेक्ट हो जाए। बाय बाय, लव यू।